दादा ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब और किशोरदा पड़ोसी थे ना? हाँ, एक वक्त आया था जब पिताजी ने एक फ्लैट खरीदा था. अच्छा, अपना ऑटोस क्लब जहाँ पे है टर्नर रोड में. अच्छा जी. बाजू में ऋषिदा का बंगला हुआ करता था, शायद अभी भी है, मुझे पता नहीं. मैं बात कर रहा हूँ 59-60s की बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने लिया था बंगला. पिताजी ने हर डायरेक्टर्स के साथ उस जमाने में काम किया, शक्तिदा, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय जी. तो उस वक्त से जो एक सबके साथ एक तालमेल रहा, ऋषिदा के साथ एक अलग ये था, मतलब कि ऑलवेज बात करते थे फ़ोन पे. वो बंगला में बोलते थे नौफर बाबू, पिताजी बोलते हैं नौफर बाबू ऐसा. ऋषिदा यूज़ टू वाज वेरी गुड इन गार्डनिंग, बहुत प्यार करते थे, गार्डनिंग कर रहे थे. और पिताजी वहाँ पे उस वक्त बरंदा ऐसा हुआ करता था, और यूज़ टू बी पोर्टिको, वहाँ पे शेविंग करते थे सवेरे सवेरे सवेरे. वो गार्डनिंग कर रहे, बोला नौफर बाबू किधर जा रहा है तुम, किसका शूटिंग है आज? ऋषिदा मैं जा रहा हूँ, आज फंसा हुआ हूँ, मेरा आज 3-3 शिफ्ट है, और ये एक फिल्मिस्तान में जो शूटिंग है ना, हाँ, उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में ये चल रहा है, टसल चल रहा है, अब मैं फंस गया हूँ बीच में. बोले क्या है, कौन है कि प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है? बोले प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मैं एक पैसा खर्चा नहीं करूँगा. और डायरेक्टर बोल रहा है नहीं, मेरे को इसमें एक्स्ट्रा चाहिए, डांसर चाहिए, गाना गाना भी है सब. तो ये दोनों में मैं फंस गया हूँ. ये बोलते कौन है डायरेक्टर? मैं हूँ. और प्रोड्यूसर? वो भी मैं हूँ. क्या बात है. ये थे किशोरदा. पर हम लोग तो टीवी पे करते हैं, चलो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो तो रियल लाइफ में 24 घंटे ऐसे थे. मैं अभी एक आपके यहाँ पे आपका जो शो है कपिल जी, इतना फेमस है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये नवंबर, इस नवंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माई फादर. मैं आपसे पूछने वाला था कि इतने मजेदार किस्से हैं, लोगों को पढ़ने को मिलने चाहिए. यस yes, तो मैं लिखने शुरू कर रहा हूँ, 1-1.5 साल लगेंगे. ओके. माई फादर थ्रू माई आईज. अच्छा. सन्स आईज, मैं उनके बारे में बोलूंगा, फिर मेरे बारे में ही बोलूंगा. तो वो पूरा किताब मैं शुरू कर रहा हूँ. फिर आएंगे, फिर डेढ़ साल के बाद. हाँ, यहाँ पे रिलीज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है. जरूर सर, ऑलवेज वेलकम. यस. अरे वाह 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 वाह, आप दोनों का हमारा संगीत भरा नमस्कार. ओ हो, अमित जी की आवाज के तो हम कायल हैं. नहीं नहीं, मतलब सर सॉरी, नहीं आपसे नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे ये जो अमित जी की आवाज निकालते हैं. नहीं नहीं, उसके हम कायल हैं, लेकिन आपका भी फैन है हम. एक बार अमित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. आप दोनों को आज यहाँ पे देख के बड़ा खुशी हो रहा है हमें, लेकिन एक सच बताएं, आज का दिन हमारा कुछ अच्छा गुजरा. क्यों, क्या हुआ? आपको क्या बताएं, हम लूट गए, बर्बाद हो गए. क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया. खत्म हो के भी 1 टन का तो बचा है तू. मैं आज तो कम से कम हमारे जले पे सॉल्ट मत छिड़क के यार. हमारी इज्जत ऐसा सॉइल में मिल गई है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम. मुंह तेरा दिखाने लायक है नहीं, गर्दन तेरी दिखती नहीं, पेट तेरा 3 मील से दिख जाता है. इस पे 2 आंखें क्यों नहीं लगवा लेता तू? नहीं कपू शर्मा, आज हम हास्य के व्यंग के मूड में नहीं है यार. अच्छा. अब आए, इनको क्या पता कि एक बाप के दिल पे क्या बीतती है जब उसकी घर की एक जवान भैंसिया किसी आवारा भैंसे के साथ ऐसे चारा खाती हुई पकड़ी जाती है. क्या बीतती है. आप नहीं समझेंगे यार. तो सारा चारा तू ही खाएगा, दूसरे को भी खाने देना. हुआ क्या है ये तो बता फिर. अमित जी, अब आपको क्या बताए सर, कभी भैंसिया नहीं माना हमने, इसे अपनी बेटी की तरह पाला है. अच्छा. और क्या चाहते थे हम कि किसी एक एक कमाते एक अच्छे खानदान के भैंसे के साथ इसका रिश्ता हो जाए, बस इतना ही.
एक बाप की तरह हम इसका भैंसिया दान करें, मतलब लाइक कन्यादान, यू नो, कन्यादान भैंसिया दान तो वो करें, इसकी विदाई हो। लेकिन हमारे सुहारे स्वप्न टूट गए यार आज। चल जाने दे बच्चा, जानवरी तो है, फिर क्या हुआ? जानवर नहीं है कपूर शर्मा, हमारी जान है वो। अच्छा, अरे इसको ना गलत संगत में पड़ गई थी ये, थोड़े टाइम पहले से भौंकना शुरू कर दिया था, हमने इसे कहा भौंक रही थी, हमने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम भौंकती नहीं हो, तुम्हें करना है। हमने सब कुछ सिखाया इसे। बच्चा और कितनी है फालतू बातें टोटल? अच्छा, ये आपको फालतू बातें लग रही हैं कपूर शर्मा? सर हम आपको सच कह रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई पालतू कुत्ता होता ना, तो इनके साथ साथ 10 और लड़कियां यहाँ पे आके खड़ी हो जाती और कहती ओ हाउ क्यूट। अरे हाय, आए दिन ऐसे हमने देखा है कुत्तों को ऐसे गोदी में उठा के लेके घूमते रहते हैं, भैंसिया को गोदी में क्यों नहीं उठाते यार? भैंस को कोई कैसे उठा सकता है? हाँ, लेकिन कुत्ते ने फिर ऐसा क्या काम किया है कि उसको गोद में उठा लिया आपने? कुत्ते वफादार होते हैं। हाँ। क्या कुत्ते वफादार होते हैं? तो वफादारी की चाय बना के पी सकते हैं, वफादारी का दही जमा सकते हैं, वफादारी को फाड़ के पनीर बना सकते हैं आप। क्या है यह वफादारी, क्या फायदा वफादारी का? आज की डेट में कोई फायदा नहीं है कपूर शर्मा, हम भी काफी सालों से आपके वफादार रहे हैं, क्या मिला हमें? अर्चना जी, क्या मिला हमें? ये 10 रुपए की धोती जिसमें आप यहाँ पर 40 टन का एसी चला देते हैं, अंदर से कितने कपकपा गए हैं आपका आइडिया है? सर मजाक नहीं कर रहे हैं, अंदर से हमारा पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी सुन्न पड़ गया है। कन्याकुमारी सच्चाई बस यही है सर, अपनी इस भैंसिया से बहुत प्यार करते हैं हम। प्यार व्यार कुछ नहीं है सर, उसका दूध बेच के कमाई खाता है, इसलिए इमोशनल हो रहा है। ये आप बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। सर हम आपको बताते हैं सर, यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना, ये सब सोनी को बेच देते हैं ये आदमी। सब हमारा यहाँ से मुंह से एक एक जो सब निकल रहा है ना, उसका पैसा लेते हैं ये सोनी से। एक एक ठाका, एक एक ठाका जो अर्चना जी मारती है ना, उसके पैसे लेते हैं ये। अब वो अलग बात है कि 2 हफ्ते पहले सोनी ने इनको पैसे देने से मना कर दिया था। क्यों? कह रहे थे कि यार ये हमारा शो जो है 9:30 से 11 बजे तक आता है, तो फिर ये 1 बजे रात तक हंसती क्यों रहती है? मतलब क्राइम पेट्रोल में एक मरी हुई लाश का ऐसा क्लोजअप चल रहा है, उसमें हंसी इनकी सुनाई दे रही है। What to do? सर हम तो खाली आपसे इतना कह रहे हैं कि बाय चांस आपके आस पास वेसिनी टीम में आपको कोई ऐसा भैंसा दिखाई दे जिसका रिश्ता हम इसके साथ कर पाए, तो प्लीज हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और हमारी भैंसिया को कोई बुरी आदत नहीं है सिवाय गाली के। कौन सी गाली? जुगाली। जुगाली, यू नो, जुगाली। लेकिन देखिए सर, वैसे भी इतने टेंशन के मोमेंट में भी कैसे हम हास्य को बना के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। बच्चा बता दो, भैंसा कैसा चाहिए तुझे? सर ऐसा कोई अपना खुद का काम वाम करता हो ऐसा भैंसा चाहिए, मतलब जिसका खुद का कुछ बिजनेस हो, या फिर मतलब लायक हो, मतलब लाइक कम से कम उसका खुद का अपना एक टीवी पे शो होना चाहिए। जिसमें, अच्छा, और जिसमें हेलो एंड वेलकम से लेके हंसते रहिए मुस्को रहते रहिए, सफाई बना के रखे वहां तक वो पूरा खुद बोले। हाँ। मतलब ऐसा कोई ना हो जो आए अपना भैंसा लेके 10 मिनट का कुछ करे चला जाए, वैसा टाइप का नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छा। पूरा शो अपना खुद का होना चाहिए ऐसा। लेकिन सुदेश जी मानना पड़ेगा सर, आपने अमित जी को आवाज दी, कमाल की बात है कि आप अमित जी को इतना आवाज दिए हैं, अमित जी के आपने गाने गाए हैं, कायदे से देखा जाए तो अब तक आपके एक फ्रेंच कट बियर्ड आ जानी चाहिए थी। मेरी थी, इस शो में आने के लिए जरा सफाई करके आ रहा। अच्छा, अगली बार फिर ऐसा ग्रो करके आइएगा। लेकिन सर हमें यह भी पता है कि आपने एक फिल्म थी आदमी खिलौना है, उसमें आपने गाना गाया था, हम खाली जानना चाहते हैं उस फिल्म के लिए फाइनली आपको पेमेंट मिला कि झुनझुना?
आपकी खिलौना। एक मिनट सर, हमारा एक फोन आ रहा है। हास्य विनोद के लिए बोल देते हैं, हम ये सारी बातें सर चलता रहता है। हेलो, क्या? Hey! सर एक बहुत बड़ा खुशी का बात है सर। क्या? हमें रिश्ता मिल गया है। वो चुलबुल पांडे के बुल ने हाँ कह दिया है शादी करने के लिए। ए, सुना तुमने? चुलबुल का बुल शादी करेगा तुमसे। ऊपर वाला बिना सर एक जोक्स का पिटारा रहता है हमारा, तैयार हमेशा। थोड़े से फनी टाइप के हैं तो ऐसा हंसी निकल सकती है, देख लीजिएगा। तो ऐसा हम आपको सुनाते हैं। हाँ, एक आदमी है, उसकी 6 उंगलियां हैं, तो सब लोग उसे शांताराम शांताराम कहते हैं। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि उसका नाम है शांताराम। हमें बताइए, अगर चाइना देश में पॉपुलेशन कंट्रोल का अगर वो कोई प्रोग्राम ऐसा लॉन्च करे तो प्रोग्राम का नाम क्या होगा? चीनी कम। सर आज तक में इतना ही चलिया चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा आएगा। शादी में आइएगा जरूर, शादी में जरूर आइएगा। अरे यार चलो, मजा आ गया सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां अमित जी के लिए, सुरेश जी के लिए। आइए अमित जी। सो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। वाह, क्या फोटो है। थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू सुरेश जी। अभी कुछ होगा दादा? मैं आपको, हम क्या कह सकते हैं, बस एक धन्यवाद लफ्ज बना और अंग्रेजों ने थैंक यू बनाया, वही कह सकते हैं। थैंक यू सो मच दादा, आपने 4 चांद लगा दिए हमारे शो में, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू सुरेश जी, ऑलवेज ऑलवेज। थैंक यू सर। जाने से पहले मेरी एक आपसे फरमाइश है दादा जी, जो आपका मन करे। जो आपका मन करे। पिताजी ने एक नेशनल इंटीग्रेशन पर गाना गाया था। अच्छा जी। बहुत साल पहले, एक्टिंग भी की थी, फिल्म का नाम था हम सब उस्ताद हैं। अच्छा जी। उसमें बड़ा खूबसूरत गाना था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।